महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के बीच मंत्रालय के बंटवारे पर सहमति बन गई है। कांग्रेस को राजस्व पीडब्ल्यूडी और आबकारी विभाग मिल सकता है जबकि एनसीपी के खाते में गृह वित्त पर्यावरण और वन मंत्रालय जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री पद के अलावा शिवसेना के बाद शहरी विकास हाउसिंग सिंचाई परिवहन मिल सकते हैं। तो मंत्रालयों को लेकर जो पहले राग थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई दिख रही है और ऐसे में सब कुछ तय होता हुआ दिख रहा है। जहां पर एनसीपी में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है, कांग्रेस में हुआ है और कहा जा रहा है कि जहां कांग्रेस को राजस्व पीडब्ल्यूडी और आबकारी विभाग मिल सकता है तो वहीं एनसीपी के खाते में गृह वित्त पर्यावरण और वन मंत्रालय जा सकता है। अगर शिवसेना की बात करें तो मुख्यमंत्री पद तो है ही, इसके साथ ही शहरी विकास हाउसिंग सिंचाई परिवहन मिल सकता है। तो सहमति बन गई है और सूत्रों के हवाले से जिस तरह की जानकारी मिल रही है उस सहमति के बाद इस तरह से जो मंत्रालय हैं वो तीनों पार्टियों के बीच में बंट सकते हैं। हालांकि अभी तक शिक्षा और उद्योग की बात करें तो उसको लेकर मंत्रालय पर भी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन एक दो दिन में कहा जा रहा है कि अंतिम निर्णय तीनों ही पार्टियों के बीच मंत्रालय को लेकर हो जाएगा।